भगवान राम सूर्यवंशी हैं, तो उनके जन्मदिन सूर्य की रोशनी भगवान राम के ऊपर सीधे पड़े, यह एक कल्पना हम लोगों ने दिया है। अब कल्पना को साकार करने का कोई असंभव चीज़ आज के दिन में नहीं है। आज से पहले भी हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर थे, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, अभी दिल्ली के चंद्र मंदिर हैं, कई राजाओं के खगोल शास्त्र इस प्रकार के चिन्ह आज भी विद्यमान है, जो वो सारे संभव हैं। ये भी संभव है, हम लोगों ने आज के समय के जो हमारे बड़े देश में इस विधा में एक्सपर्ट लोग हैं, उनके सामने कुछ नया करने का एक दिया है, लोग कर रहे हैं। भगवान राम लला के मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा है। मंदिर निर्माण कार्य को इस तरह से किया जा रहा है कि राम नवमी के दिन, यानी कि भगवान राम लला के जन्मोत्सव के दिन, भगवान राम के मस्तक को ललाटित करते हुए सूर्य की किरण दोपहर 12 बजे भगवान राम के मस्तक पे पड़े। इस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई है, और यह वैज्ञानिक इस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं कि दोपहर 12 बजे भगवान राम लला के मस्तक को सूर्य की किरण ललाटित करे। इस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, साथ ही साथ मंदिर निर्माण कार्य को मजबूती भी इस कदर दी जा रही है कि जिससे भविष्य में कभी भी भूकंप भी आए तो मंदिर को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचा सके, इस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मंदिर निर्माण कार्य 2023 के दिसंबर माह में पूरा कर लिया जाएगा। भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में 2024 के जनवरी माह में विराजमान हो जाएंगे, जिसके लिए दिन रात मजदूर लगा करके निर्माण कार्य किया जा रहा है, और दिसंबर में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, और 2024 के जनवरी माह में भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हर राम भक्तों की इच्छा 2024 के जनवरी माह में पूरी होगी और एक बार फिर दिव्य भव्य मंदिर में भगवान रामलला विराजमान होंगे। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।